हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरे चेहरे पे ग्लो दिख रही है, ये है एक सीक्रेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी स्किन पे भी बहुत जिद्दी डार्क स्पॉट्स हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर ली हैं एंड कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वाला एक बार ट्राई करके देखो, काफ़ी अच्छा है। फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको फुल बॉडी पर अप्लाई कर रहे हो, टैनिंग आ गई है, सन हो गए हैं, जल्द धूप में निकलने की वजह से स्किन काला पड़ गया है, डार्क स्पॉट्स हैं, छाइयाँ हैं, सारी चीज़ों को इस एक फेस पैक के थ्रू आप अपना सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो, सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हो। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो कैसे अप्लाई करना है, कितनी देर रखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। और इसका रिजल्ट मैंने पहले यूज किया है अपने कस्टमर्स पे और रिजल्ट 100% मिलता है, उसके बाद ही आप लोग तक शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको भी आप जानते हो, जिनके स्किन पर पिगमेंटेशन है, छाइयाँ है, डार्क स्पॉट्स है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है। आपकी घर की चीज़ों से आप ये पैक बना के अप्लाई कर सकते हो, पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो और अपनी स्किन को एक दो शेड तक गोरा कर सकते हो। जो भी डार्क स्पॉट्स है, डलनेस है, डेड स्किन है, सारी चीज़ों को रिमूव करके आपकी स्किन को एक बहुत ही बेहतरीन ग्लो देगा और आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो एंड तक बहुत जरूर कीजिएगा एंड रिजल्ट कैसा मिला आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा, और रिजल्ट मिला नहीं मिला ए टू जेड चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से कोशिश करूँ। वैसे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, बस आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरे चेहरे पे भी ग्लो दिख रहा है आपको, मैंने यही अप्लाई किया है एंड बस अभी नहा के आई हूँ और कुछ भी अप्लाई नहीं किया फेस पे। इस पैक को बनाने के लिए हम लोग लेंगे थोड़ा सा दूध, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है ये आपको। इसमें हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी, कस्तूरी हल्दी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप जो खाने में यूज करते हैं वो वाला ही यूज कर सकते हो। हल्का सा लेंगे हम लोग नमक, एक चम्मच के बराबर शहद। शहद हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है एंड डार्क स्पॉट को रिमूव करने में हेल्प करता है। हल्दी भी हमारे स्किन से डार्क स्पॉट को रिमूव करता है। दूध अच्छा क्लींजर माना जाता है हमारे फेस के लिए एंड इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम लोग कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है एंड डलनेस को एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, पूरा स्किन के अंदर से खींच के ओपन पोर्स को क्लीन करता है, जिससे आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर भी हमने आधा चम्मच तक ले लिया है। इसको मैं पूरा बॉडी पे अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे लिया है विटामिन ई की कैप्सूल, 400 mg की है ये। मैंने इसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल ऐड की है। अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप 2 विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ आप नींबू ऐड कर सकते हो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, बट मेरे स्किन पे नींबू सूट नहीं करता है तो मैं यहाँ पे नींबू ऐड नहीं करूँगी। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन। सॉरी बेसन नहीं है, मेरे पास ख़त्म हो गया, मैंने देखा नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे बेसन की जगह पे आटा यूज कर सकते हैं, गेहूं का आटा भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छा स्क्रब का काम करता है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर फेस पे, जो जहाँ पे भी डार्क स्पॉट है आपको बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आप अप्लाई करोगे और 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दोगे। फिर आप इसको एक यूज में ही आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से मैंने बना लिया है, आई होप कि आपको क्लीन दिख रहा हो पूरा। ओके, अब इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है वो बता देती हूँ मैं। अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है और पूरे फेस पे, गर्दन पे, आप चाहो तो पूरी बॉडी पे इसको बॉडी वॉश की तरह अप्लाई करके नहा सकते हो। इससे आपकी पूरी बॉडी पे काफ़ी अच्छा फर्क देखने को मिलेगा आपको, आपकी टैनिंग को रिमूव करेगा, आपका स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगा और जो भी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगी। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स पैक, तो फ्रेंड्स पैक मैंने रेडी कर लिया है एंड मैं अभी अप्लाई करूँगी। तो इसको कैसे अप्लाई करना है आपको, इस तरीके से फिंगर में लेना है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ड्राई स्किन के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको 1 से 2 यूज में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा डार्क स्पॉट्स पे।
डाक सर्कल पे भी आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। पूरे फेस पे, आप चाहो तो पूरी बॉडी पे, हाथों पे, जहाँ भी टैनिंग हो रही है। अभी आजकल मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं धूप में बहुत ज़्यादा बैठने लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ गया था। तो अभी मैं ये सब होम रेमेडीज़ यूज़ करके अपने डार्कनेस को हटा रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ परमानेंटली। और जिनको डार्क स्पॉट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हल्की फुल्की है तो भी बहुत जल्दी रिमूव कर देगा। बाकी बचा हुआ मैं हाथों पे अप्लाई करूंगी, क्योंकि हाथों पे भी मुझे काफी ज्यादा टैनिंग आ गई है। और इसको रखेंगे हम लोग 20 मिनट के लिए, उसके बाद से हम लोग नहाएंगे, इसको रिमूव कर लेंगे। सेकेंड गाइस, तो गाइस जिस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे एंड हाथों पे, एंड इसको मैं 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी एंड नॉर्मल गुनगुने पानी से हल्का इसको वॉश करूंगी। और ये मेरा पैक ख़त्म हो गया। आप चाहो तो इसको जहाँ जहाँ आपको टैनिंग है, पैरों पे, हाथों पे, पीठ पे, गर्दन पे, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसको वॉश करने के बाद क्या फेस रूटीन करना है आपको, वो भी बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा और फाइनल रिजल्ट ज़रूर देखिएगा। चलिए नहा के आती हूँ, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। 20 मिनट के बाद इसको ड्राई होने दो, उसके बाद। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, पूरा स्किन बहुत ज़बरदस्त वाला खींच रहा है। अब इसको हम लोग पानी से गीला करेंगे एंड स्क्रब की तरह रगड़ते हुए निकाल देंगे। तो इसको वॉश करके और फिर मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नहा के आ गई हूँ और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। और ये प्रोसेस आप डे बाई डे करोगे तो आपके धीरे धीरे सारे डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद आपको करना है अपने फेस पे अच्छा सा टोनर अप्लाई करना है। मैं ये वाला रोज़ वाटर यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं टोनर की जगह पे रोज़ वाटर ही यूज करती हूँ। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा टोनर ले सकते हो। टोनर अप्लाई करके 2 सेकंड के लिए छोड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके स्किन पे अच्छे से जल्दी वर्क करे, आपका डार्क स्पॉट जल्दी रिमूव हो जाए, तो टोनर अप्लाई करने के बाद से ये गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम है, C&B3, काफ़ी अच्छा है ये डार्क स्पॉट्स के लिए। और इसको अप्लाई करने के बाद से आपको अप्लाई करना है कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर, या फिर डायरेक्ट आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके स्किन से जितने भी टैनिंग थी वो एक अजीब सा मैल की तरह उतर जाएगा और बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा। आप इसको 2 से 3 यूज कीजिए 2 से 3 बार, एंड मुझे रिजल्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट आएगा एंड बहुत जल्दी आपके डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाएंगे। आई थिंक 1-2 यूज में ही आपको फर्क दिखने लग जाएगा। ये आयुर का सनस्क्रीन है, ये मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से अभी यूज कर रही हूँ। और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डार्क स्पॉट, स्किन पे डार्क स्पॉट आने का एक मेन रीजन ये भी है कि आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करते हो। ओके, तो इस तरीके से मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो जानने के लिए ये टिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से अच्छी टिप्स के साथ आप लोग को वीडियो बना के दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय गाइज़।